प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। यानी कि ये तीनों में से अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे, कोई भी पर्सन ये कहे कि मेरे को जो है प्रॉफिट में हिस्सा नहीं चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये पार्टनरशिप में नहीं आता। क्योंकि पार्टनरशिप का जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या बोलती है कि अगर एक फर्म में अगर मान लो 50 पार्टनर्स भी हैं, तो सभी जो है वो प्रॉफिट में जो है अपना पार्टिसिपेट करेंगे, प्रॉफिट में जो है हिस्सा करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें से कोई लॉस में पार्टिसिपेट ना करें, हो सकता है उसकी मैनेजमेंट पावर अच्छी हो सकता है उसने कैपिटल उसके बदले में पहले से ज्यादा दे दी हो, या हो सकता है वो माइनर जो है वो पार्टनर हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, जो प्रॉफिट है उसमें जो है पार्टिसिपेट क्या करना है, कंपल्सरी। लेकिन जो लॉस है उसके अंदर सामने वाला जो पर्सन है, पार्टनर है, वो हिस्सा ले, ये नॉट कंपल्सरी है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में? अगर मान लीजिए सोहन ये बोलता है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा, अगर कंपनी में लॉस होता है तो उसको जो है आप दोनों निपटना दो, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि इलीगल पार्टनरशिप है, क्योंकि ये लीगल पार्टनरशिप है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, वेरी गुड। देन म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि इनका जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इनमें जो है सभी पर्सन मिलकर भी कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, या कंपनी को मिलकर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, और हो सकता है तीनों में से कोई एक या कोई दो भी जो है कंपनी को चला सकता है। इसके लिए हम ये भी बोल सकते कि इनमें से कोई हिस्सा नहीं ले रहा तो ये जो पार्टनरशिप है वो इलीगल है, यानी कि ऑल पार्टनरशिप भी जो है, ऑल जो पार्टनर है वो भी हिस्सा ले सकते हैं, और जो वन पार्टनर है यानी कि सिंगल पार्टनर है उनमें से भी हिस्सा ले सकता है, या उनमें से यानी कि एक पर्सन भी मिलकर जो है कंपनी को आगे बढ़ा सकता है, कैरियर ऑन कर सकता है। तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर एक चला रहा है तो कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो इलीगल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अगर किसी भी करेक्टरिस्टिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, वेरी गुड।